शिक्षक साथियों नमस्कार। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय निषादगंज लखनऊ के 16 जनवरी 2023 के आदेशानुसार शिक्षकों द्वारा उपस्थित करने की तारीख विद्यालय स्तर पर पहले 21 से 25 तारीख तक होती थी, अब यह 21 से 23 तारीख तक होगी। विकासखंड स्तर पर दिनांक 26 से 28 तक रहता था, अब ये दिनांक 24 से 25 तक है। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा दिनांक 29 से रहता था पूर्व में, नवीन समय अवधि इसकी दिनांक 26 से 29 तक है। तो विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को 21, 22, 23 तीन तिथियों में उपस्थिति लॉक कर दे रही हैं। अब लॉक करने की प्रक्रिया के लिए हम आपको मानव संपदा पोर्टल पर ले चलेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खोलिए। ये देखिए क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र को जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर आप होम पेज पे जाइए। होम पेज पे आप लिखेंगे EHRMS आप लिखिए और उसके बाद स्पेस दे दीजिए EHRMS के बाद आप लिख दीजिए उत्तर प्रदेश EHRMS उत्तर और इसके बाद आप लिख देंगे प्रदेश। ये देखिए और उसके बाद आप इसे सर्च कर दीजिए। जैसे ही उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे आपका पहला रिजल्ट आता है। इसी पहले रिजल्ट पे आप टच करिए। देखिए मानव समता वेबसाइट पे काफ़ी लोड होता है, कभी कभी खुलने में समय लेता है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए अब हम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे, नीले स्क्रीन पे सबसे दाएं तरफ ऊपर की साइड में लिखा हुआ है EHRMS लॉगिन। आपको EHRMS लॉगिन पे टच करना है। जैसे ही टच करेंगे आप यहाँ आपसे डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करने को कहेगा, आप यहाँ अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अदर विभाग के हैं तो अदर डिपार्टमेंट, शिक्षकों के लिए आपको चुनना यहाँ बेसिक एजुकेशन, तो हमने अपना डिपार्टमेंट चुन लिया। अब इसके बाद आपको यूजर आईडी में क्या भरना है, यूजर आईडी में आप अपना मानव संपदा कोड भर देंगे। मानव संपदा कोड भर दीजिए, उसके बाद पासवर्ड अपना डाल दीजिए, कैप्चा कोड देख लीजिए, जो भी है कैप्चा यही देख सेम टू सेम उतार देना। अगर कैप्चा स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लिखिए, कैपिटल में तो कैपिटल लिखिए। जैसे यही कैप्चा है, देखिए स्मॉल में ए लिखा है, स्मॉल ई, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल एस, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, उसके बाद आपका कैपिटल में एच है। ठीक है, कैप्चा बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि कैप्चा की वजह से आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। कैप्चा भरने के बाद नीचे दो ऑप्शन है, लॉगिन और फॉरगेट, तो आप लॉगिन पे टच कीजिए। लॉगिन पे टच करेंगे ये देखिए कैप्चा गलत हो जाता है, गलत हो जाएगा दोबारा से भरें आप कैप। दोबारा कैप्चा सही से भरने के बाद लॉगिन करते हैं हम। देखिए मानव समता पोर्टल उत्तर प्रदेश का होम पेज खुल के आ गया है। अब अगर आपको भाषा बदलनी होगी तो देखिएगा सबसे ऊपर के लाइन में इंग्लिश लिखा हो, यहीं आप क्लिक करके हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेज़ी में ही कार्य करेंगे। नीचे देखिए यहाँ बीच में आपके मानव समता कोड लिखा होगा, आपका नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, लॉग्ड टाइम बाएँ तरफ लिखा होगा कि किस समय पर आप लॉगिन कर रहे हैं। ये देखिए लॉग टाइम 21 अप्रैल 2023 लिखा है। अब नीचे कर्मचारी का नाम होगा, जन्मतिथि, अन्य ढेर सारे विवरण इसमें दिए गए हैं, मोबाइल नंबर। इसके बाद अब देखिए पोर्टल पे उपस्थिति लॉक करने के लिए आप अब यहाँ जाएंगे पेरोल पे, आप पेरोल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पेरोल पे क्लिक करते हैं तीन विकल्प आते हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, रिटायरमेंट, तो आपको अटेंडेंस पे टच करना। जैसे ही आप अटेंडेंस पे टच किए चार विकल्प मिलते हैं, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंट टीज, ब्यू एंड लॉक अटेंडेंस, ब्यू अटेंडेंस रिपोर्ट। तो सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव को टच करना, पहला विकल्प, इसको जब आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आएगा आपका अटेंडेंस फ्रॉम 21/3/2023 अटेंडेंस टू 20/4/2023, इसको सबमिट कर देना है। इन तिथियों के बीच में छुट्टी यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी, मतलब कितने अध्यापकों ने छुट्टी लिया है। क्लिक किया, सर्च हो रहा है,
सर्च होने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ रहा नो लीव रिकॉर्ड्स फाउंड, कहने मतलब इन तिथियों के बीच में किसी ने छुट्टी की जो अप्लीकेशन दी थी वो अप्लीकेशन छूटी नहीं हुई है। कोई भी छुट्टी का अप्लीकेशन आए उसे आप अप्रूव ज़रूर कर दें, बिना छुट्टी का अप्लीकेशन अप्रूव किए आप उपस्थिति लाग मत कीजिएगा। देखिए अब इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया, डाटा को भलीभांति जान लें, जांच लें, अगर आपको लगता है कि लीव स्वीकृत किया जा सकता है तो उस लीव को स्वीकृत कीजिए, अन्यथा एक बार सेव हो जाने के उपरांत कोई संशोधन नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि जब आप इसे सेव कर देंगे तो छुट्टी में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। चलिए हम ओके करते हैं इसको। जैसे आप ओके किए ये लिख के आ रहा है योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड, इसे आप ओके कर दीजिए। ओके करके अब आप जाएंगे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस, 1 2 3 नीचे से बाएं तरफ इसको क्लिक किए व्यू एंड लॉक अटेंडेंस, सर्च हो रहा है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे हम क्लिक किए हैं, लेकिन देखिए नेटवर्क की वजह से ये थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बैक कर देंगे आपको तो सारी चीज़ पुनः करनी पड़ेगी आपको, इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हाँ तो देखिए साथियों खुल कर आ गया। अगला पेज पेरोल मैनेजमेंट, यहाँ लिखा हुआ लॉक एम्प्लाई अटेंडेंस, मतलब कर्मचारी की उपस्थिति लॉक हो गई है। All employees of the school are either present in the entire attendance duration or absent with sanctioned leave. सभी कर्मचारी विद्यालय को के या तो उपस्थित थे सभी दिनों में या अनुपस्थित अगर थे तो अप्रूव की हुई छुट्टी ली हुई थे। इसके लिए अंतिम प्रक्रिया बचती है आपकी, नीचे लाल कलर में ताला का निशान बना हुआ, इस ताले के चिन्ह अर्थात लॉक को टच करेंगे आप। ये देखिए लॉक को आप टच किए तो यहाँ कह रहे हैं कि आर यू विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड्स, इसे आप ओके कर दीजिए। ये लिख रहा सक्सेसफुली लॉक्ड जीरो रिकॉर्ड्स, फिर ओके कर दीजिए आप। अगला पेज खुल के आ रहा, देखिए वही चीज़, सभी कर्मचारी विद्यालय खुलने के सभी दिनों में उपस्थित रहे या फिर सेंसन लीव पर रहे। अब आपका लॉक अटेंडेंस लॉक हो चुकी, अगर इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट के ऑप्शन पे आप टच कीजिए। जैसे ही टच करते हैं ये देखिए तुरंत प्रिंटर खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप सेव एज पीडीएफ में क्लिक कर देंगे तो पीडीएफ फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए अटेंडेंस लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप इसका कुछ और नाम दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ नाम दे लीजिए जिस महीने की अटेंडेंस हो, अटेंडेंस और माह का नाम डाल लीजिए। अटेंडेंस जैसे अप्रैल की है तो आप अटेंडेंस अप्रैल APRAIL अप्रैल डाल दीजिए और वर्ष का नाम डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसे आप जैसे सेव कर देंगे, सेव पे क्लिक कर दीजिए आप। ये देखिए सेविंग लिख रहा, देखिए सेव्ड सक्सेसफुली, देखना चाहते तो उसी व्यू पे देख लेते। चलिए हम अब इसको देखने के लिए जाएंगे हम माई फाइल्स में, हमारी उपस्थिति लॉक की पीडीएफ फाइल कहाँ गई है। हम जाएंगे फाइल्स में, किसी मोबाइल में फाइल्स में रहता है, किसी किसी माई फाइल्स में, वहाँ डिवाइस स्टोरेज में जाइए आप, चाहे फ़ोन स्टोरेज में जाइए, वहाँ पे आप डाउनलोड्स में जाइए। नीचे जाएंगे तो सबसे पहला देखिए अटेंडेंस अप्रैल 2023, अब इसे क्लिक कर दीजिए आप, पीडीएफ में खोल लीजिए। ये आ गया डायरेक्टर ऑफ जनरल एजुकेशन पोस्टिंग ऑफिस, स्कूल का नाम लिखा रहेगा, अटेंडेंस कब से कब तक है, 21 मार्च 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक। ऊपर आपके ब्लॉक का नाम भी लिखा हुआ होगा। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय के सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृत अवकाश पे थे। नीचे अटेंडेंस विद्यालय के किस अध्यापक ने लॉक किया है उसका नाम रहेगा, उसका मानव संपदा संख्या रहेगी, उस अध्यापक की नीचे पद भी दिया रहेगा, प्रधानाध्यापक हैं वो, सहायक अध्यापक हैं या अनुदेशक या कोई भी। अटेंडेंस लॉक डेट, किस तिथि में अटेंडेंस आपकी लॉक की गई, यहाँ दिया रहेगा, और प्रिंट डेट भी दिया रहेगा। तो इस प्रकार आपने अटेंडेंस लॉक कर ली, लॉक करने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल भी आपने अपने मोबाइल में सेव कर लिया है। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिए।